Hello everyone, let's proceed the studies of our subject Indian banking system, and today we will discuss about regional rural banks in India. Regional, it is also called as RRB. Introduction. In India, rural banks are also called as regional rural banks. The banking sector in India is flourishing with a large and wide account holder base. Means जब भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, देन बैंक में अकाउंट होल्डर भी होंगे. लेकिन 1975 से पहले ये जो बैंकिंग सर्विसेज थे, ये ओनली अर्बन एरिया मींस जो जो लोग शहर में रहते थे वो उनके तक ही अवेलेबल था ये बैंकिंग सर्विसेज. लेकिन 1975 के बाद से ये रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना हुई. इसके बाद इसका ये रीजनल रूरल बैंक्स की जो स्थापना का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव था, यह कि जो गांव के लोग हैं उनको भी बैंकिंग सर्विसेज मिले. लिखा हुआ है टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स वेयर एस्टैब्लिश्ड. ओके, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया विच आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज to the people in rural areas. Rural areas में लोगों को अपनी services provide करते. They have the characteristics of both commercial banks and cooperative society. इनका जो characteristics है वो commercial banks और cooperative society दोनों के तरह का है. They were established with an objective of providing easily accessible banking and credit services to the rural population. Means banking facility provide कराने के लिए किसको? ऐसे लोगों को जो कि रूरल एरिया में गांव में रहते हैं. मैनेजमेंट एंड गवर्निंग ऑफ आरआरबी. ओके, दिया हुआ आरआरबी ऑपरेट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द स्टेट्स. मींस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते किसने? अलग स्टेट में. मींस अलग अलग स्टेट में अलग अलग आरआरबी है. एंड दे मे कवर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट विद इन दैट स्टेट. जैसे कि हमारे झारखंड में है एक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, तो झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको वो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कहीं ना कहीं उसके ब्रांचेस दिख जाएंगे ही. जस्ट लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स कंप्राइजेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, रीजनल मैनेजर्स एंड द असिस्टेंट स्टाफ. ओके, अब नेक्स्ट है द आरआरबी इन इंडिया इज गवर्नड एंड रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, National Bank for Agricultural and Rural Development, Banking Regulation Act 1948, Regional Rural Bank Act 1976. Means ये गवर्न किसके थ्रू होती है? Reserve Bank of India, NABARD के थ्रू, Banking Regulation Act 1949 के थ्रू और RRB Act 1976 के थ्रू. इसकी हिस्ट्री, इसका हिस्ट्री यह है, यह नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशन पे आरआरबी का फॉर्मेशन किया गया है. और वो उस वक्त जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, और उनके उनको रिकमेंड किया था किसने? नरसिम्हन कमिटी ने. किस पे? नरसिम्हन कमिटी ऑन रूरल क्रेडिट. किस चीज के लिए क्या रिकमेंडेशन किया था उन्होंने? कि आरआरबी का फॉर्मेशन हो हमारे देश में, आरआरबी का स्थापना हो हमारे देश में, सो दैट कि जो गांव के लोग हैं उनको भी बैंकिंग सर्विसेज मिले. ओके, एन ऑर्डिनेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी वाज पास्ड ऑन सितंबर 26, 1975. दिस इज बीइंग द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी. मींस ऑर्डिनेंस कब पास की गई थी? 26 सितंबर 1975 को. द रीजनल रूरल बैंक आरआरबी एक्ट वाज पास्ड इन 1975 बट इंप्लीमेंटेड इन 1976. आरआरबी एक्ट जो कि पास कर दिया गया कब? 1975 में. लेकिन इंप्लीमेंट हुआ कब से? 1976 से. फाइव आरआरबीज वेयर फर्स्ट एस्टैब्लिश ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती. गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही 5 आरआरबी की स्थापना हुई. लेटर ऑन आरआरबीज वर एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भी उसके बाद आरआरबीज की स्थापना हुई. द आरआरबी एक्ट 1976 स्टेट्स दैट द फंक्शन ऑफ आरआरबी provide financial assistance to farmers, medium and small enterprises, local craftsmen and artisans for agriculture, industries, trade, commerce and their economic development. 25 RRBs were established within a year from.
आप जैसे ध्यान दीजिए कि एक जो कमर्शियल बैंक जो सर्विस देता है कहाँ, अर्बन एरिया में, वही सेम सर्विस कौन दे, आरआरबी, कहाँ, रूरल एरिया में। ओके, इसके लिए आरआरबी की स्थापना हुई। अब हम लोग देखते हैं ऑनरशिप एंड स्पॉन्सरशिप ऑफ आरआरबी। ओके, द ऑनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया इज डिवाइडेड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सरिंग बैंक। मीन्स ऑनरशिप जो है वो डिवाइडेड किसके पे, किस किस पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। जैसे कि एक आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है 50%, स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी होती है 35% और स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है 15%। ओके, द स्पॉन्सर बैंक हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ आरआरबी बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द स्टाफ ऑफ एन आरआरबी, प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट कंसल्टेशन टू द बैंक फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मीन्स ये मैनेजमेंट कंसल्टेशन देते हैं किसे, आरआरबी को, कौन देता है, स्पॉन्सर बैंक, कितने, मिनिमम 5 साल के लिए। तो ये कंसल्टेशन और देता है किसे, स्पॉन्सर बैंक आरआरबी को। नेक्स्ट जो है आरआरबी एंड देयर स्पॉन्सर बैंक्स, मैंने आप लोगों को बताने के लिए कि देखिए जैसे कि एक टेबल है, जैसे कि हमारे झारखंड में है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, स्टेट झारखंड, लेकिन उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हमारा नेबर स्टेट है, उसका स्टेट बिहार स्पॉन्सर बैंक कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। उसी तरीके से देखिए ओडिशा ग्राम्य बैंक, उसका स्पॉन्सर बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक। उत्कल ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका स्पॉन्सर है। बड़ौदा यूपी बैंक उत्तर प्रदेश, उसका स्पॉन्सर बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, इसी तरीके से जैसे देखिए पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, इसके स्पॉन्सर कौन है, यूको बैंक। ओके, अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ आरआरबी। जैसे ध्यान दीजिए ये आरआरबी जो होता है ये एक कमर्शियल बैंक का फंक्शन तो करता ही रूरल एरिया में, साथ में एक और काम ये करता है कि जो भी गवर्नमेंट की योजना है, किस चीज के लिए योजना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन रूरल एरिया, उस योजनाओं को भी इंप्लीमेंट करता है। जैसे कि मनरेगा के तहत जो वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तहत, वो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी आरआरबी के थ्रू होता है। ग्राम सड़क योजना के तहत जो भी फंड्स मिलते हैं वो सब का डिस्ट्रीब्यूशन भी आरआरबी के थ्रू होता है। और साथ में जो ओल्ड एज पेंशन मिलते हैं और अलग तरीके के पेंशन के प्रोविजन जो है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन आरआरबी के थ्रू ही होता है रूरल एरिया में। सो आरआरबी जो है ये एक बैंकिंग सर्विसेज के साथ वेलफेयर एक्टिविटीज का भी काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लेक्चर के साथ हम लोगों का ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम का सिलेबस ओवर हुआ। आज हम लोग आरआरबी के बारे में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ये हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।